Assalamu alaikum, dear learners, potential entrepreneurs and entrepreneurs, welcome in the video. Hum baat kar rahe hain entrepreneurs ke marketing related issues ke saath. Aur agenda is topic ka kya hai? Agenda is topic ka ye ki hum baat kar sakein ek intahai ahem masle pe, and that is regarding the placement of the product. Placement bahut 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 critical hai. Agar aapko yaad ho तो हमने आपसे बात की थी कि 4 P's या 7 P's एक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क जो कि मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने दिया है कि आप अपनी मार्केटिंग जितनी भी एफर्ट्स हैं उनको इस फ्रेमवर्क में रख के देख सकते हैं, जिसमें हमने कहा था कि आप प्रोडक्ट डिफ़ाइन करते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस डिफ़ाइन करते हैं, उसकी वैल्यू प्रपोजिशन डिफ़ाइन करते हैं, प्रोडक्ट के फंक्शंस डिफ़ाइन करते हैं. लाइकवाइज आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करेंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उनको ख़रीदना चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस क्या लगाएंगे आप, कौन लोग बेचेंगे आपकी प्रोडक्ट, आपकी टीम कौन होगी, ख़ास तौर पर अगर आप सर्विस सेक्टर में है ना, मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट में आपके पास आपकी जो टीम है, जो शेफ़ हैं वो कितने ट्रेंड होने चाहिए, आपके प्रोसेसेस क्या होंगे. मैं आपसे पिज़्ज़ा ख़रीदना चाहूँ और मैं आपको फ़ोन करूँ तो आप कितने मिनट के अंदर मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर कर देंगे, वो गर्म होगा कि नहीं होगा. और लाइकवाइज आपके पास फिज़िकल एविडेंस, अगर मैं आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ रही हूँ, ठीक है, तो आपने कितनी अच्छी टेबल, कितनी अच्छी कुर्सियाँ, किस तरह आपने हाइजीन मेंटेन किया हुआ, आपका किचन कितना साफ़ है, आपके वेटर्स ने कितने बेहतरीन और साफ़ सुथरे लिबास पहने हुए हैं, सर पर टोपी पहनी भी हुई है कि नहीं पहनी हुई खाना पकाते हुए, ये सारी चीज़ें आपके फिज़िकल एविडेंसेस में आ जाती हैं, कितना अच्छा एम्बियंस है आपका. प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. अच्छा, जो भी बिज़नेस आइडिया हमारे सामने आ रहा होता है, अगर तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी से डिफ़ाइन कर रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि उसकी वो प्राइस क्या चार्ज करेंगे, वो ये भी बताएंगे कि प्रोसेसेस उन्होंने क्या डिज़ाइन किए हैं, तो सबसे पहला सवाल एज एन एवेलुएटर यही हम करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट कहाँ बेचेंगे, यानी इन अदर वर्ड्स किस मार्केट में किस कस्टमर को और एक्सेस कैसे करेंगे. सो प्लेसमेंट का ताल्लुक बेसिकली कस्टमर को एक्सेस करने से है. वो आपकी, चाहे अगेन वही बात आ जाती है, आप किसी कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको चीज़ बेच रहे हैं, या आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रहे हैं और बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहे हैं, चीज़ कहाँ रखेंगे, कस्टमर कैसे एक्सेस करेंगे. सो दिस इज़ कॉल्ड द प्लेसमेंट एंड पी, जिसको हम बात कर रहे थे 7 P's ऑफ मार्केटिंग की. सो प्लेसमेंट क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस विच आर अवेलेबल टू यू टू एक्सेस योर कस्टमर, टू डिलीवर द वैल्यू टू द कस्टमर. वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल आपका चैनल भी हो सकता है, वो आप डायरेक्ट खुद भी जाके बेच सकते हैं. सो आपके जितने चैनल्स हैं जो आपने इस्तेमाल करने हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आपने कितना जोग्राफिकल एरिया कवर करना है, ट्रांसपोर्टेशन आपको कौन सी चाहिए, लॉजिस्टिक्स कितनी इन्वॉल्व हैं, इन सब, और डिस्प्ले कहाँ करेंगे अपनी प्रोडक्ट को, बेचेंगे कहाँ अपनी प्रोडक्ट को, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक आपकी प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट से है. इन अदर वर्ड्स हम बात करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, हम बात करेंगे आपके ज्योग्राफिकल लोकेशंस की, हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की, हम बात करेंगे डिस्प्ले मैटर्स की, और ये तमाम चीज़ें आपके प्रोडक्ट बेचने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं. नो मैटर हाउ वेल यू हैव डिज़ाइन योर सर्विसेज और योर प्रोडक्ट, अगर वो कस्टमर मार्केट में जा रहा है और कहता है कि मुझे वो चीज़ ख़रीदनी है, और दुकानदार उससे कहता है कि ये चीज़ तो मेरे पास नहीं है, तो आपको क्या गारंटी है कि वही कस्टमर दोबारा जाएगा और दोबारा कुछ दिनों के बाद आपकी प्रोडक्ट मांगेगा. हो सकता है वो एक दफ़ा पूछे, उसको ना मिले, वो दोबारा पूछने के लिए ना जाए. इसलिए हम सबसे पहले यही बात करते हैं कि आप कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, ये बड़ा मैटर करता है प्लेसमेंट के अंदर कि आप अपनी किस मार्केट के अंदर डील कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपकी प्रोडक्ट प्लेसमेंट होती है. मिसाल के तौर पर आप कंज्यूमर मार्केट में डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप किसी, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती है कंज्यूमर मार्केट्स में जाने के लिए. आप डायरेक्ट बेच सकते हैं, आप किसी होलसेलर को बेचते हैं, आप किसी रिटेलर को बेचते हैं, या आपका हेडेक सिर्फ होलसेलर को बेचना है, होलसेलर आगे खुद रिटेलर को बेचेगा, या आपने डायरेक्ट रिटेलर को बेचना है, डिपेंड करता है कंज्यूमर मार्केट में आप जा रहे हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और उसकी प्लेसमेंट कहाँ रखेंगे. प्रोडक्ट मैं कहाँ देख सकती हूँ आपकी, जहाँ से जाके मैं बाय कर सकूँ. लाइकवाइज अगर आप इंडस्ट्रियल मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, कोई मशीन बनाई है आपने, कोई गैजेट बनाया है आपने, तो बीइंग अ कस्टमर यानी कि बीइंग अ क्लाइंट, मैं आपके पास कहाँ आऊँ, कहाँ आपकी मशीन देखूँ, कहाँ ऑपरेट करके देखूँ, और आप मुझे मेरी मशीन मेरी फैक्ट्री तक किस तरह पहुँचाएँगे.
अगर हम गवर्नमेंट मार्केट्स की बात करें, कुछ हमारे ऐसे भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स आ रहे होते हैं उसको बिड करते हैं, बिडिंग उनकी वो उसको विन करते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट को चीज़ें बेच रहे होते हैं. सो अगर वो गवर्नमेंट के अंदर डील कर रहे हैं, गवर्नमेंट मार्केट में डील कर रहे हैं, तो अगेन किस चैनल के थ्रू वो जाएंगे, किस तरह से बिडिंग करेंगे, किस तरह अपनी चीज़ें बनाकर डिलीवर करेंगे, सैंपल्स कैसे दिखाए जाएंगे. अगर आप कहते हैं कि जी मैं चीज़ें बना के बाहर एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, अगेन किस तरह आप एक्सेस करेंगे अपने क्लाइंट्स या अपने कस्टमर्स को. या अगर आप कहते हैं मैं ऑनलाइन मार्केट में जाके अपनी चीज़ बेचना चाहता हूँ, कहाँ रखेंगे, अपनी वेबसाइट खुद बनाएंगे, अपनी ऐप बनाएंगे, या आजकल जो ऑनलाइन स्टोर्स खुले हुए हैं उसमें जाके एक छोटी सी दुकान खोलेंगे. ये सारे के सारे सवाल इंतहाई अहम हैं रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड डिस्प्ले. अच्छा, प्रोडक्ट प्लेसमेंट में बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अगेन एंड अगेन, ख़ासतौर पे वो एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपनी सफ़र का आगाज़ अभी किया है, यानी इनक्यूबेशन सेंटर्स में है या अभी उनका बिज़नेस ज़्यादा पुराना नहीं है, लाइक एक दो साल ही हुए उनको बिज़नेस करते हुए, उनके लिए कुछ सवाल इंतहाई अहम होते हैं. बिज़नेस आइडिया के अंदर भी ये सवाल इंतहाई अहम होते हैं. मिसाल के तौर पर यहाँ से हम शुरू करते हैं कि अगर आपने कोई भी एक प्रोडक्ट बनानी है, इसका रॉ मटेरियल आपने कहाँ से परचेज करना है, बिकॉज ये सारे सवाल आपके कॉस्ट से रिलेटेड भी होते हैं. मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहूँ कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉइंटर बनाना चाहती हूँ और पता ये चले कि इस पॉइंटर के लिए जो प्लास्टिक मटेरियल है, जो सबसे बेस्ट मटीरियल है, उसको परचेज करने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है और उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत हाई है, तो इज़ इट पॉसिबल कि मैं आपको एक अच्छी प्राइस के ऊपर ये प्रोडक्ट ऑफ़र कर सकूँ जबकि मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है वही बहुत महंगी है. अगेन नंबर टू, किस मार्केट में बेचना है, प्लेस कहाँ करनी है अपनी प्रोडक्ट. क्या ऐसा तो नहीं है, अगेन वही बात आ जाती है, आपने ये पॉइंटर बनाया और आपने पॉइंटर बनाया कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करें बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, तो क्या ये पॉइंटर आप कंज्यूमर मार्केट में जाके रखेंगे? द आंसर इज सिंपली नो. आपको ये पॉइंटर किसी ऐसी मार्केट में ही रखना पड़ेगा जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और आके वहाँ से बाइंग करते हैं. अच्छा, फिर उसके बाद हाउ यू कैन रीच योर फाइनल कस्टमर, आप कैसे पहुँचेंगे, उसका मैंने आपको बताया था चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से आप बात करेंगे. आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, क्या आप डायरेक्ट बेचेंगे, क्या आप किसी होलसेलर को इन्वॉल्व करेंगे, क्या आप किसी रिटेलर को इन्वॉल्व करेंगे, या अपनी प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी की दुकान पर जाकर रख देंगे कि जी बेच देना और जितनी कमीशन होगी मैं तुम्हें दे दूंगा, बाकी के पैसे तुम मुझे दे देना. अच्छा, फिर उसके बाद हाउ टू सेल, बेचना किस तरह से है, क्या आपने सिर्फ प्रोडक्ट सामने रख देनी है, आपने उस प्रोडक्ट को किसी शेल्फ में रखना है, आपने उस प्रोडक्ट की कोई एग्जीबिशन भी, कोई फ्री ट्रायल भी कस्टमर को देना है या नहीं देना, ये तमाम चीज़ें भी आपकी प्रोडक्ट की प्लेसमेंट के हवाले से बहुत अहम आ जाती है. कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, ख़ास तौर पर आपने इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करनी है. मिसाल के तौर पर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं, आपने बहुत अच्छा पॉइंटर बनाया और आपने एक मार्केट में जाके एक दुकान पर जाके इस पॉइंटर को रख दिया. आपके ये पॉइंटर्स मिसाल के तौर पर अगर 100 थे और वो बिक गए हैं और अगले ही दिन, चूँकि वो पॉइंटर बहुत अच्छा था, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एक और कंपनी आ गई है आपसे ये पॉइंटर बाय करने के लिए, क्या आपने अपनी इन्वेंट्री मेंटेन की हुई है कि जिस दुकान पर वो आए और आके गए कि हमें पॉइंटर्स चाहिए और आपके आई एम सॉरी हमारे पास पॉइंटर्स अवेलेबल नहीं है, और अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको ऑर्डर हम देंगे एक महीने के बाद, इज़ इट पॉसिबल इन द मीनवाइल कोई कंपेटिटर आएगा और आपका ये ऑर्डर आपसे ले उड़ेगा. सो अगेन प्लेसमेंट बज़ाहिर तो हम कहते हैं ना कहीं कहाँ चीज़ रख के बेचनी है, किस तरह से उसको डिस्प्ले करना है, ये बज़ाहिर आसान लगता है लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, इट्स क्वाइट टेक्निकल. अगेन कुछ और अहम सवाल जो प्लेसमेंट के साथ साथ ख़ास तौर पर हम मेन फोकस कर रहे हैं डिस्प्ले के हवाले से, आप डिस्प्ले कहाँ करेंगे. आपने देखा होगा बहुत सी एग्जीबिशंस होती हैं, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस होती हैं और लाहौर और कराची के अंदर तो खैर बहुत ज़्यादा होती हैं, इंटरनेशनल भी बहुत ज़्यादा होती हैं. कभी आपने देखा है कि हाउ दे हैव डिस्प्लेड देयर प्रोडक्ट्स, गाड़ियों की अगर कोई नुमाइश लगी हो तो किस तरह वो अपने आप को अपने गाड़ियों को डिस्प्ले करते हैं. डिस्प्ले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि डिस्प्ले ही सबसे ज़्यादा कैचिंग होता है. डिस्प्ले का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, अब तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है कि किस जगह पर आप अपनी प्रोडक्ट रखें तो वो फौरन कस्टमर की अटेंशन ग्रैब कर लें.
बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुल गए हैं मेन अर्बन एरियाज के अंदर पाकिस्तान के अंदर, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सवाल यही आता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट है तो आपने उसके लिए कोई डोमिनेटिंग शेल्फ स्पेस ली है। बाज़ का ऐसा होता है कि आप अपनी ट्रॉली पकड़ी हुई और आप शॉपिंग करते चले जा रहे हैं, तो जो चीज़ आपके हाइट के मुताबिक और आपके हाथ की कन्वीनियंस के मुताबिक आपकी रेंज में आएंगी वो चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, और उसकी शेल्फ की जो प्राइस है वो भी इसीलिए डिपार्टमेंटल स्टोर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कि आपने सबसे नीचे वाली शेल्फ पे अपनी प्रोडक्ट रखी हो तो उसके इग्नोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो जो आपने प्रोडक्ट बनाई है अगर आप उस प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं और किसी और जगह पर रख के बेचना चाह रहे हैं तो क्या डोमिनेटिंग शेल्फ स्पेस आपको मिलेगी? लाइकवाइज आपने जो अपनी प्रोडक्ट है वो कहाँ डिस्प्ले करनी है? क्या आप अपना ज़ाती आउटलेट ओपन करेंगे? क्या आप उसको किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में रखेंगे? आप किसी बिग शॉपिंग मार्ट में रखेंगे या नुक्कड़ की किसी कॉन्वीनियंस शॉप पे किसी छोटी सी दुकान पे जाकर रख के बेच देंगे? कैसे बेचेंगे? ये भी बड़ा मैटर कर रहा होता है। और अगेन हमें महरीन से डिस्कशन के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने एक केक बनाया और वो केक किसी बहुत अच्छी बेकरी पर या बहुत अच्छी दुकान पर रखा है उन्होंने, तो जो वहाँ पर आने वाला कस्टमर है वो क्वालिटी कॉन्शियस है, तो जितनी क्वालिटी वो प्रॉमिस कर रही हैं कस्टमर से उतनी ही क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर्स आ भी रहे हैं, उनसे प्रोडक्ट बाय भी कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द मैटर ऑफ द प्लेसमेंट एंड डिस्प्ले। सेकंड, केक रखा कैसे हुआ है? उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो अच्छा है? जहां वो रखा हुआ है क्या कस्टमर्स को हर तरफ से देख सकता है? क्या कस्टमर को उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा हो सकता है? ये तमाम चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर उसके बाद आपने शेल्फ प्लान क्या बनाया हुआ है अपना, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को बेचना है, और शेल्फ प्लान का मतलब है आपने इन्वेंट्री किस तरह से अपनी मेंटेन करनी है। ख़ास तौर पे अगर आपकी एक प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, ये भी बड़ा मैटर कर रहा होता है। ख़ास तौर पे वो लोग जो फूड इंडस्ट्री में आएंगे उनसे सबसे पहले हम यही सवाल करेंगे। महरीन से भी हमने सबसे पहले यही सवाल किया था, आपका केक अगर एक से दो दिन नहीं बिकता तो कितनी देर तक ये स्टे कर सकता है और उसके बाद आपको उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है, चूँकि वो ऑर्डर बेस्ड जिसे कहते हैं वो केक बेक करती हैं, सो इसलिए जब ऑर्डर आता है तो बेक कर रही हैं। अदरवाइज़ बहुत सी ऐसे आइटम्स हैं जो ऑर्डर बेस्ड नहीं भी हैं, सो अगर वो किसी जगह पे पड़ी हुई हैं और उसकी एक शेल्फ़ लाइफ है तो उसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है? क्योंकि अगर फूड की शेल्फ़ लाइफ आप नहीं मेंशन करेंगे तो नंबर एक आपके ख़िलाफ़ शायद कार्रवाई हो जाए, और नंबर टू प्रोडक्ट का टेस्ट और क्वालिटी वो ना रहे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कहने को बहुत सादे सी चीज़ है कि मैं अपनी प्रोडक्ट किसी फट्टे पर रख के बेचूँगा या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर रख के बेचूंगा या मैं किसी बिग शॉपिंग मार्ट में जाके अपना काउंटर लगा के बेच दूंगा और डिस्प्ले कैसे करूंगा, बट ऑन दी अदर हैंड बेसिकली ये आपके और कस्टमर की कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ट्रस्ट की बात हो रही है कि इतनी आसानी से कस्टमर आपको एक्सेस कर सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।